हेलो गाइस, आज हमारे साथ है संजय भाटिया सर, जो कि बहुत ही मस्त एक्टर है। संजय भाटिया, हेलो, वेलकम गाइस, थैंक यू सो मच। नितिन वेलकम, केतकी वेलकम, नितिन जी हाउ आर यू? नितिन मास्क नहीं है तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई, मास्क पहनो यार, प्लीज़ यार, मास्क ज़रूर पहनिए। बगैर मास्क के बहुत प्रॉब्लम होता है, प्लीज़ मास्क के बगैर बाहर मत निकलिए आप लोग। निलय हाउ आर यू, हाउ इज यू डूइंग? रसल वेलकम। Can you hear me? Hello, Sanjay. Can you hear me? How yes, are I can you, hear sir? You. I'm good. Nice meeting as you, usual. Sir, after a long time. Yes, after a very long time. How are you doing, sir? कैसे हो आप? बढ़िया भाई, बस आराम कर रहे हैं लॉकडाउन में। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। अरे यार, अब तो टाइम ही टाइम है, आप जब बुलाओ तब आ जाएंगे। आप तो कुछ एक्स्ट्रा ही टाइम लेके चलते हैं, सच में ऊपर वाले का आशीर्वाद है आपको। जनरली लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि अरे यार बहुत बिजी हूँ, अभी थोड़ा टाइम नहीं, मैं बाद में बात करूँ क्या, बाद में हो सकती है। मैंने कभी आपके मुंह से नहीं सुना, जब भी कॉल करता हूँ आप तुरंत रिप्लाई करते हो, जब भी मैसेज करता हूँ आप उसका रिप्लाई करते हो। क्या मतलब, इतना काम भी करते हो, इतना बिजी भी रहते हो। यस मिक्की मक्की जाजी वेलकम वेलकम सर, आप मिक्की जी को जानते हैं ना? हाय मिक्की सर, हाउ आर यू? यस यस एब्सोल्युटली, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन मिक्की सर, एब्सोल्युटली यू कैन आस्क। कुलदीप वेलकम, प्रणाली वेलकम। हाँ तो सर, मैं ये कह रहा था कि मतलब इतना बिजी, इतना शेड्यूल बिजी है, आप लोगों के बारे में भी सोचते हो, सारे एक्टरों के बारे में भी सोचते हो, एक्टरों के लिए भी सोचते हो, काम करते हो इतना, आर्टिस्ट एसोसिएशन में भी आपका अच्छा नाम है, आप आर्टिस्ट एसोसिएशन के लिए भी अपना टाइम देते हो, साथ में शूटिंग भी करते हो, मैंने काफी फिल्मों में भी आपको देखा है, कैसे टाइम निकाल लेते हो सर? देखो सच कहूं, ये जो भी ये कहते हैं ना कि मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत बिजी हूं, ये सब झूठ बोलते हैं। नो ऑफेंस बट हाँ, एक्चुअली क्या होता है भाई, यार दोस्तों के साथ बात करना कोई वक्त निकालने की बात नहीं हो रही। अगर आप कहीं शॉट पे हो, चालू शूटिंग है और कहीं आए तो रीडिंग चल रही है, कुछ है, चालू शो है, तब आप बोल सकते हो भाई मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में फोन कर सकते। लेकिन वैसे तो आप फ्री ही होते हो, शूटिंग पे भी कौन से 12 घंटे के अंदर आप कौन से 12 के 12 घंटे शूट करते हो, नहीं ना? करेक्ट करेक्ट, बंदा बैठता है, खाता है, पीता है, कपड़े। ये बात मैंने आपसे बहुत बार सीखी है, मैंने हमेशा आपसे ये नोटिस किया, मैंने हमेशा नोटिस किया, आप हमेशा हर फोन का रिप्लाई करते हो, हर मैसेज का रिप्लाई होता है आपके पास, मतलब हर किसी के लिए टाइम होता है। रियली नाइस थिंग, मैंने सीखा है। बेसिकली मैंने भी सीखा है, मैंने इसलिए सीखा है क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है, जब मैं टेबल के उस ओर था और जब मैं ये क्वेश्चंस पूछता था, तब जब मुझे जो जवाब मिलते थे, तो मैंने ये तय किया था जब मैं टेबल की इस ओर आऊंगा तब ये जवाब मैं किसी को नहीं दूंगा। क्या बात है, दैट इज सो इम्प्रेसिव। क्या होता है कि आप चाहे किसी की क्वेरी सॉल्व कर सको या ना कर सको, दैट्स इमटेरियल, वो सेकेंडरी है। पहली बात है रिस्पॉन्स, किसी भी इंसान को अगर आपने रिस्पॉन्ड किया तो 50% उसका जो दुख है वहीं से दूर हो जाता है। मतलब यू आर टेकिंग अवे दैट कंसर्न कि भाई आपने चलो एटलीस्ट मेरी बात का जवाब तो दिया। और मुझे बहुत बार बुरा लगता है, unable to respond to all of them. So, तो क्या होता था कि
ऐसा लगता है कि यार नहीं यार उनको देन आई यूज टू कॉल देम बैक कि क्या हुआ भाई आपने फोन किया था, सॉरी आई वाज बिजी ऑन दिस. मैंने देखा है कि जब इंसान तकलीफ में होता है, जब कोई क्वेरी होती है तभी फोन करता है ना आपको, ऐसे तो मस्ती मजाक करने के लिए तो कोई फोन नहीं करता है. करेक्ट करेक्ट राइट एब्सोल्युटली. क्योंकि वो अगर आपसे जो उम्मीद है कि भाई आप उसको रिस्पोंड करो, और उस वक्त अगर आप रिस्पोंड नहीं करते तो अगले को बुला रखता है यार ये क्या यार मैं कब से फोन कर रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है. नो सो बेसिक मेरा ये क्राइटेरिया रहा है कि लाइफ में भाई आप चलो किसी की मदद कर पाओ ना कर पाओ सेकेंडरी, एटलीस्ट उसे जवाब तो दो. Correct. उसे पता right. चले चलो भाई मैंने बात तो कर ली. एब्सोल्युटली राइट एब्सोल्युटली राइट. सर हमारे ब्रॉड पे बहुत सारे लोग आए हुए जो आपसे मिलने के लिए बेताब हैं. सो मिक्की मक्खी जैकी जी को तो आप जानते हैं, मिस्टर आयुष अमी भाभी आए हैं वेलकम है, हसन बारमा जो यूएई से हैं जो रोज आते हैं और आज आपको वेलकम कर रहे हैं सर. थैंक यू वेरी मच. मिक्की जी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रणाली जी भी हमारी रेगुलर फैन है जो हमेशा रोज हमारे ब्रॉड पे आती है, आज आपका वेलकम कर रही है. फाल्गुनी आशर जी वेलकम, कुलदीप जी का भी वेलकम, अनिल जी. बैड कनेक्शन सर आपकी तरफ से कुछ नेटवर्क का इश्यू है क्या, थोड़ा सा बैड कनेक्शन लग रहा है मुझे भी. आपकी पिक्चर क्लियर नहीं आ रही. पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है अब देखिए. हाँ देखिए ना जरा मतलब वो क्या ब्लर आ रही है, ब्लर आपकी आपकी इमेज ब्लर आ रही है और मिक्की जी ने भी बताया कि अच्छा कुछ नेटवर्क आप नेट पे डाल दीजिए ना, वाईफाई शायद नहीं पिक्चर पकड़ नहीं. वाईफाई पे ही है मेरा फोन वाईफाई पे ही रखा है मैंने तो. एक्चुअली मैंने मेरा फोन का डेटा ऑफ रखा है क्योंकि वरना कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे. आस्था अमित वेलकम है. नितिन जी थ्री हाँ नितिन जी कह रहे हैं कि 3 महीना लॉकडाउन में टाइम का पता चला, मतलब बैड टाइम और अच्छा टाइम खराब टाइम क्या होता है वो पता चला, ऐसा बोल रहे हैं. हेलो हेतल जी, हेलो संजय जी, अमी भाभी आपका स्वागत करें, पीयूष जी वेलकम, प्रकाश रयानी जी. आपकी बात से केतकी जी बहुत इंप्रेस हुई, बोल रही है कि नहीं सर टाइम तो सबके पास होता है लेकिन टाइम की वैल्यू करना हमेशा चाहिए आपको. प्रकाश जी वेलकम है जी. हेतल सर आपने इतने सारा काम किया है, इतना सारा एक्सपीरियंस है आपको, हर फॉर्मेट में आपको देखा है, तो एक सवाल. यस मिक्की जी प्लीज पूछिए, आप पूछ सकते हैं. मंथन जी वेलकम, जिगर सोनावाला वेलकम, निहार वेलकम, हाय निहार हाउ आर यू, अमित मेहता वेलकम, कुमार अमित वेलकम, नैना जी वेलकम, युवम शाह वेलकम. थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग सब लोग आए हमारे ब्रॉड पे, अपना टाइम निकाल के आए, ये सबसे बड़ी बात है. जो सबसे पहला सवाल मैंने घर से पूछा वो आप लोगों ने साबित करके रख दिया कि टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है. तो आप अगर टाइम लेके आए हो, तो अगर आपने संजय सर को फॉलो नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, वो बहुत ही जबरदस्त एक्टर है और मैं मतलब उनके सामने मतलब बहुत ही छोटा हूँ, मतलब वो एक्टिंग में इतने बादशाह है, मतलब बहुत ही जबरदस्त एक्टर है. मैं काफी सालों से उनको देखता आया हूँ. सो आई रियली अप्रिशिएट उनका काम भी हमेशा. मैं बहुत कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है, यूरी मूवी में काम किया है उन्होंने, अभी नेटफ्लिक्स पे चोक करके वेब सीरीज आ रही है उसमें काम किया, रईस मूवी में थे वो, दृश्यम में भी थे, काफी अच्छी अच्छी मूवीज में काम किया. सर एक 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 सवाल मुझे हमेशा से रहा है कि जैसे आप ये हमेशा लोग कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, कौन है सर आपका मेंटर, कौन है जिसकी वजह से आप इस फील्ड में हैं, जिसकी वजह से संजय भाटिया को लगा कि नहीं संजय भाटिया एक्टिंग करते. ओके मैं ये एक्टिंग की फील्ड में आना ही नहीं चाहता था पहले, मुझे पता ही नहीं था. मैंने जब मैं कॉलेज में था आई वाज मेनली इनटू पॉलिटिक्स विथ माय स्टूडेंट्स यूनियन एंड अदर थिंग्स. तो हुआ ये कि मेरे एक दोस्त हैं योगेश घनात्रा, हमारे कोचिंग क्लासेस में वो आते हैं. तो उसने एक बार मुझे कहा यार संजय तू यार इतना आउटस्पोकन है, व्हाई डोंट यू जॉइन इन सम ड्रामा ग्रुप. भाई मैंने कभी कोई ड्रामा आज तक तो देखा भी नहीं है, यानी तब तक मैंने ड्रामा देखे भी नहीं थे. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज 18.
तो यार क्या बोला, क्या ड्रामा तूने देखा? बोले ड्रामा नहीं देखे मैंने, कभी कभार थोड़ा बहुत ऐसा बचपन में किया है काम, लेकिन ऐसा एक्टिवली कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। बट तू तू करना चाहेगा? एक प्ले है, नया प्ले आ रहा है, मनोज जोशी ला रहे हैं, चाणक्य नाम का प्ले है। बोला मैं मनोज जोशी को नहीं जानता हूँ, और प्ले क्या है मुझे नहीं पता है, नाटक कैसा होता है ये मुझे नहीं पता, मैं कभी गया नहीं। हाँ मैंने स्टेज पे मोनो एक्टिंग वगैरह बहुत की है, अपने स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में मोनो एक्टिंग वगैरह करता रहता था, एंड पीपल यूज टू लाइक माय वर्क। तो उसने बोला नहीं नहीं तू चल एक बार। तो आई वेंट, तो वहां गया, और मनोज का भाई राजू बॉडी ही वॉज देयर। तो पहले तो जाकर के हम शिष्य बने, और सब उन्होंने जो कहा वो सारी चीजें की। फिर राजू ने मुझे एक स्क्रिप्ट दी, धर्मज का कैरेक्टर था। अब लाइफ में पहली बार ऐसे स्क्रिप्ट पढ़ के किसी को सुनाना, यू आर एन एक्ट्रेस यू नो कि जो फर्स्ट टाइम आपने जब पहली बार जैसे स्क्रिप्ट पकड़ी थी तो कैसे हालत थी। तो उस वक्त उसने मुझे, मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा दिया राजू, एंड राजू वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन। अनफॉर्चुनेटली इज नॉट देयर विद अस। राजू की बात आती है तब आंखें भर आती है। एंड ही एक्चुअली राजू ने बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया, बोला नहीं तू संजय कर सकता है, यू यू कैन एक्ट, डोंट वरी, ये लाइन है कुछ नहीं, एक बार तू समझ ले। एंड क्या था कि मुझे संस्कृत वगैरह आती थी, ठीक से बोल पाता था, तो ही लाइक दैट, बोला कि नहीं तेरे तेरे उच्चारण सही है तो तू कर पाएगा, यू विल बी एबल टू डू इट। एंड देन फिर करता रहा, सिंसियरिटी मैंने में पहले से थी, तो मुझे जो चीज अच्छी लगती थी उसके पीछे पड़ जाता था मैं। तो हम गिन के चार लोग हुआ करते थे उस रिहर्सल में, पैसे वैसे की तो कुछ बात ही नहीं थी, पहली बार आपको एक्सपीरियंस मिलता है। एंड यू नो चाणक्य बिकेम द फर्स्ट stepping stone for me, and also my tuition classes, you can say. Meri schooling wahi se hui. Teen, saadhe teen saal tak main Manoj ke saath juda raha, continuous. Chanakya shuru hi nahi hua tab tak, saadhe teen saal tak. Manoj, Mihir aata tha, hum log script ke upar, and Mihir mujhe script samjhata tha, aur main phir ek character से लेकर के मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे कैरेक्टर्स की प्रॉक्सी रीडिंग करने लगा, सारे। देयर वर अराउंड 21 कैरेक्टर्स, तो मुझे पूरी की पूरी स्क्रिप्ट याद रहेगी। एंड आई बिकेम द असिस्टेंट डायरेक्टर टू मनोज। फिर वो पूरा प्ले वेंट टू दिनकर जानी जी आए डायरेक्टर के तौर पे, और हम लोगों ने, देन इट इज द हिस्ट्री। शुरुआत मेरी वहां से हुई। फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर वापस मैंने कभी कॉमर्स क्लासेस नहीं किया, बस अभी फिर यही मेरा। फिर तो मतलब आपने बहुत काम किया है, रियली अप्रिशिएट आपके काम को, मैं सराहना करता हूँ सर, बहुत। थैंक यू। इतना काम करने के बाद भी आप इतने डाउन टू अर्थ, हमेशा लोगों से मिलते हो, कोई भी एक्टर सामने हो, छोटा हो बड़ा हो चाहे कुछ भी हो, सब आपके लिए बिल्कुल सेम है, आप सबको एक ही तराजू में तोड़ते हैं, एक ही जैसी सबसे बात करते हैं। मैं बहुत सीखता हूँ आपसे, पता है आपको देखता हूँ तो हमेशा मुझे लगता है कि इंसान ऐसा होना चाहिए, इतना काम करने के बाद भी कितना डाउन टू अर्थ रहता है। मिक्की जी पूछ रहे हैं कि सर आप भी सुनिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है प्लीज, कि ये इतना एक हैवी क्वेश्चन पूछते हैं ना, मेरे तो सब ऊपर से जाता है, तो आप ही इसका जवाब दीजिए। फॉर अ कास्टिंग डायरेक्टर, व्हेन दे स्पेसिफिकली से वांटेड थिएटर एक्टर्स और प्रिफर्ड, how can they tell if the actor has done theater? I think connection ki problem hai, sorry. Wapas puchhiye, how can they tell? For a casting director, when they specifically say wanted theater actors or preferred, matlab casting director ke baad puchte hai na ki main theater, I understand, yeah, preferably. How can they tell if the actor has done theater? Unko मतलब मेरे ख्याल से ये पूछना चाह रहे हैं कि उनको कैसे पता चले कि एक्टर ने थिएटर किया है या नहीं किया, मेरे ख्याल से यही पूछना चाहते हैं। मिक्की जी आपका सवाल थोड़ा फिर से साउंड बहुत, तो अभी तो ठीक से आ रहा है मेरे ख्याल से मिक्की जी, थोड़ा ग्लिच है यहाँ पे, बारिश की वजह से थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। एनीवेज वैसे
मैं ये नहीं मानता हूँ कि किसी भी कास्टिंग के लिए, व्हेन यू आर कास्टिंग स्पेशली फॉर टेलीविजन और फॉर कैमरा वर्क, एनीथिंग रिलेटेड टू कैमरा, स्क्रीन एक्टिंग एंड थिएटर एक्टिंग आर टोटली टू डिफरेंट मीडियम्स. जब जब कास्टिंग डायरेक्टर कहता है कि थिएटर एक्टर चाहिए, बेसिकली ये होता है कि उनको परफॉर्मेंसेस में ऐसा चाहिए कि बंदा एक बार स्टेज पे आ गया तो रुके ना. सर एक सेकेंड, मैं आपको थोड़ा बीच में आपकी बात करता हूँ, आई एम सो सॉरी. प्रेरणा भाटिया जी यहाँ पर ब्रॉड पे आए, वो शायद आपके कोई रिलेटिव है मेरे ख्याल से. मेरी बेटी है प्रेरणा. प्रेरणा जी मैं आपका स्वागत करता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर ब्रॉड. थैंक यू सो मच. यस सर प्लीज. तो जब कास्टिंग डायरेक्टर या तो डायरेक्टर स्पेसिफिकली ये कहता है कि मुझे थिएटर एक्टर चाहिए यहाँ पे, तो उनका कहना ये होता है कि बेसिकली दे नीड मोर एक्सप्रेसिव पर्सन. जब आप थिएटर पे, यू हैव बीन अ थिएटर एक्टर, यू नो हाउ इट वर्क्स, राइट? करेक्ट. सो जब आप स्टेज पे होते हो, तब हमें ये कहा जाता है कि जो आखिर में बंदा बैठा है, जो लास्ट में बंदा बैठा है, उसको आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए उस तक, और आपके एक्सप्रेशन वहां तक दिखने चाहिए. सो यू नीड टू इमोट एंड एक्सप्रेस टू द फुलेस्ट. व्हेन यू हैव नॉट डन थिएटर, तो ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा रह जाता है. इट इज नथिंग अगेंस्ट एनीथिंग. ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं तो पहले स्क्रीन पे आने से बहुत डरता था, कैमरा के सामने बहुत डरता था. अच्छा, क्यों? हाँ, ये होता था कि मेरे साथ जब मास्टर शॉट होता है, पहले मास्टर शॉट होता है, बाद में क्लोज होता है, और ये आज भी होता है मेरे साथ. जब भी मास्टर शॉट होता है, तब मैं राजा हूं, एकदम सारे डायलॉग्स वगैरह सब कुछ एकदम करेक्ट थिएटर की तरह कर, और जैसे ही क्लोज लगता है, मेरी फंबलिंग शुरू हो जाती. अब साला मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हो क्यों रहा है. बाद में मुझे ये समझ में आया कि दिस इज जस्ट माई माइंड सेट. मैं थिएटर पे अपनी मनमर्जी से घूम फिर सकता हूँ, यू नो ऑल मोमेंट्स आई टेक, मैं पूरा स्टेज मिलता है, इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ. जैसे ही वो बंधन आ जाता है कि आपको यहाँ से यहाँ इतने में ही हिलना है, ये बस इतना नहीं, थोड़ा नहीं, इतना टाइट करके जब चलता है, तो इतने सारे बंदिशों के बाद में है ना, वो एक्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो अब ये डिपेंड करता है, जो कास्टिंग डायरेक्टर ये कहते हैं कि भाई हमें थिएटर एक्टर ही चाहिए, तो डिपेंड करता है कि वो स्क्रिप्ट क्या है. करेक्ट करेक्ट. मैं नहीं मानता कि थिएटर एक्टर ही अच्छा एक्टर है. नो, दैट्स नॉट राइट. एब्सोल्युटली राइट. मैं ये कहता हूं कि स्क्रीन एक्टिंग इज मोर डिफिकल्ट देन थिएटर. थिएटर पे आपको आने, स्टेज पे आने से पहले आप एक महीना प्रॉपर रिहर्स करते हो, आप उसको जीते हो किरदार को, और बाद में आप स्टेज पे उतरते हो, तो देन यू आर रेडी विथ एवरीथिंग. जब आप स्क्रीन एक्टिंग करते हो, तब आपको एक घंटे पहले या एटलीस्ट एक दिन पहले लाइन मिली हुई है, उसके पहले तो मिली नहीं. आजकल भी वर्कशॉप्स करते हैं, वो भी मेजर कैरेक्टर्स के लिए. हमारे जैसे छोटे कैरेक्टर्स के लिए तो कोई वर्कशॉप वगैरह होती नहीं है. करेक्ट भाई, चलो कौन है भाई, वो कौन है आज, हाँ ये कैरेक्टर कौन है, उनको ये लाइन दे दो, बुला बुला बुला, उनको बुला यार. अरे फिर बाद में आप लाइन नहीं बोल पाते, अरे यार क्या है यार, तू बोला था इनको लाइन दे दो. और ये जो मुहावरा है ना, ये जो व्हाट डू यू से, ये जो ट्रेनिंग है, ये थिएटर की ट्रेनिंग है. जब आपको इमीडिएटली लाइन आती है, आप उसके कैरेक्टर में घुसते हो, देन यू स्टार्ट रीडिंग द लाइंस एंड यू गो विद द लाइंस. सो इसके लिए बहुत बार डायरेक्टर्स का अपना कास्टिंग डायरेक्टर्स का ये कहना होता है कि भाई हमें थिएटर एक्टर्स चाहिए. बाकी मैं नहीं मानता ये सही है. एक्टर एक्टर होता है. हो, मिक्की जी को अपना सवाल का जवाब मिल गया हो. नहीं मिला हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं सर. नहीं, एक्चुअली मेरी और मिक्की जी की ये ऑलवेज होता रहता है मेरे साथ. मिक्की जी, मिक्की जी ऑलवेज ज्यादा अच्छा भाई. इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछते हैं मुझे हमेशा, जब भी मिलते हैं व्हाट इंटेलिजेंट बातें करते हैं. आई रियली अप्रिशिएट दिस गाय. हमेशा जब भी मिलते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन यार, ही इज अ इंटेलिजेंट पर्सन. यस एक्चुअली जी. शुभांकर जी वेलकम है जी, आपका स्वागत है. यश चोखावाला वेलकम, हिरेन कया वेलकम, मुंतजिर वेलकम, शिल्पा जी वेलकम, हिरेन मैं मस्त हूँ मस्त छू, मयंक वेलकम, देवेन वेलकम, हेतल भाई आ भाई मोस्टली नेगेटिव रोल करे छे बराबर में,
नो हिरेन ऐसा नहीं है, वो हर प्रकार के कैरेक्टर करते हैं, ऐसा नहीं है। बट आपने मोस्टली उनको जब भी देखा होगा वो नेगेटिव कैरेक्टर में हो सकते हैं। प्रेरणा जी थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ट, हाउ स्वीट स्वीट ऑफ यू प्रेरणा जी, थैंक यू। स्वीटी रेनबो वेलकम, हरमन जी वेलकम। यस आप मोस्टली क्राइम पेट्रोल और बहुत सारे पिक्चर में नकारात्मक रोल करते हैं राइट? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजू से वेलकम। सर कैस स्वीटी रेनबो तनु वेलकम। सर आपको राम राम कह रहे हैं हिरेन जी आपको। राम राम। क्या नागिन फोर फिनाले शूट शुरू शुरू होगा? हाँ जल्दी से शुरू होगा, हम लोग 17-18 तारीख से वो रिलीज कर रहे हैं। सो हम लोग एकदम शूट अभी जोर शोर से चल रहा है भाई। मनीष श्रेष्ठ शर्त्र वेलकम। राजू शेठ संजू भाई हाउ आर यू? राजू हाय शेठ राजू, हाउ आर यू? हाय राजू से क्या? राजू शेठ मेरे माइंड में आया ही नहीं नाम। वेरी गुड। हाउ डिफरेंट इज टू एक्ट बिफोर कैमरा कितकी? ऑफ कोर्स, सेतु वेलकम। मैं सेम वही मैंने जो अभी कहा भाई, इट इज रिस्ट्रिक्टिव, इट्स वेरी रिस्ट्रिक्टिव। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट। लॉन्ग शॉट तो अच्छे से कर पाओगे, जैसे ही आपको बंधन मिल गया बॉन्डेज, इंसान का ये नेचर नहीं लगता संजय भाई कि ये इंसान का नेचर है कि उसको अगर कहीं बॉन्डेज में डाल दिया तो वो रह नहीं पाएगा, उसको खुला छोड़ दो तो वो खुली एक्टिंग करता यस है। दैट यह है, ये एक्चुअली इंसान का नेचर है, ये बिल्कुल एक्चुअली मैन 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 काइंड ऑफ मेंटालिटी है बिल्कुल। जिसको हम लेके चल रहे हैं आजकल। संजय जी मुझे ये बताओ कि वो पहला पल कौन सा था जब आपने ऐसे वो एक्ट किया और आपको लगा कि वाह ये चीज मुझे करनी है, ये कब हुआ, कौन से ईयर में, मतलब कैसे पता चला आपको? नहीं कोई वही ऐसा कोई ऐसी चीज सुनी, कोई मूवी ऐसी देखी? देखो, हर इंसान के जीवन में जो टीनेज जो होती है ना, वो डिसाइडिंग फैक्टर होती है उसकी लाइफ की। और टीनेज में ही अपना एक इंसान अपने आगे की लाइफ क्या होने वाली वहां पे वो डिसाइड करता है, एट द मोस्ट 21-22 साल के आसपास। तब जब टीनेज के एंड में, यानी व्हेन आई वाज 18, तब जब चाणक्य में जुड़ा, तब तक मैं बहुत हेवायर था कि मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं। आई वांटेड टू गो इन साइंस बट माय फादर पुश्ड मी इन कॉमर्स। मुझे कॉमर्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था एंड आई फेल्ड मिजरेबली, येट माय फादर इंसिस्टेड कि नहीं तुम्हें कॉमर्स ही करना है, हमें तुम्हें, यू आर नॉट गुड एट साइंस। ओके ठीक है। एंड देन देयर वाज अ रिबेलियस नेचर कि नहीं यार मुझे करना है, मेरे हिसाब से करना है। देन आई वाज सर्चिंग फॉर द राइट थिंग वेयर आई कैन यू नो एक्सप्रेस माय सेल्फ। तो उसमें ये मौका मिला चाणक्य का, और वहां पे मनोज जोशी जैसा एक कड़क ट्यूटर मिला जो बिल्कुल यानी थोड़ा भी यहां वहां नहीं होने देता था, एकदम सुर पकड़ के चलो यही बोलो इसी तरह से करना है। और मनोज के साथ में जो ट्रेनिंग हुई बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त है। उसके बाद यानी मनोज मेरे लिए गुरु भी है और मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है। क्या बात, मैंने ये बहुत कम होता है, यानी आज मेरा मेरे और मनोज की रिलेशनशिप ऐसी है कि मैं मनोज के साथ में तू तू मैं करके बात करता हूँ, झगड़े भी करता हूँ, बहुत बार हम लोग लड़ाइयां हुई है मेरी और मनोज के साथ में। अच्छा लेकिन हाँ बहुत लड़ाइयां हुई है, और जो चाणक्य में जो लोग काम करते हैं वो उससे साक्षी। लेकिन एक बात यह है कि जो चीज मनोज ने मुझे सिखाई है वो शायद और कोई सिखा नहीं पाता। ही अंडरस्टूड माई टेम्परामेंट, आई अंडरस्टूड हिज टेम्परामेंट। स्टेज पे एक्चुअली मेरी और मनोज की केमिस्ट्री ऐसी होती है कि वो कुछ बोलता नहीं है, व्हेन वी आर एक्टिंग चालू परफॉर्मेंस के अंदर वो सिर्फ आंखों से कुछ कहता है और मुझे समझ में आ जाता है अच्छा ये बोल रहा है। यानी हम लोग सिर्फ आंखों से बातें करते हैं, वी नो कि क्या हो रहा है, लाइट कहीं पे गड़बड़ है, कोई कोई यहाँ पे चीज सही नहीं चल रही है कुछ नहीं, एवरीथिंग। सो वाह एट टाइम्स मनोज की वाइफ चारूबा भी शी एनिमीज मी, प्लस मुझे लगता है कि तू उसकी बीवी है। तो अब क्या करूं यार, मैं इतने साल उसके साथ रहा हूं तो करेक्ट बहुत सारी चीजें हम लोग एक दूसरे की जानते हैं। करेक्ट लेकिन एट द वेरी सेम टाइम मनोज के साथ ये बॉन्डिंग के अलावा उसने जो जो चीजें सिखाई हैं परफॉर्मेंस को रिलेटेड
वो भी कमाल की, एंड यू कैन सी इन हिज ओन परफॉर्मेंस, आप देख सकते हो मनोज जोशी मार्वेलस परफॉर्मर, और उसने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से ग्रो किया, एंड तो वो मेरा इंस्पिरेशन रहा है. एंड उसके बाद एक दूसरे कड़क ट्यूटर मिले मेरे, एक के बाद एक ऐसे तीन चार मास्टर जो बोलते हैं ना, ऐसे मास्टर हमें मुझे मिले. मनोज जोशी के बाद में दिनकर जानी, दिनकर जानी सर, जानी सर मतलब लोग जानी सर आ रहे हैं वो सुन करके लोग कांपने लगते थे. यूज टेरिफाइंग, बट वो जो कराते थे वो एकदम करेक्ट होता था. आप बस आंख बंद करके उन्होंने जो कहा उसके पीछे पड़े रहो, उन्होंने जो कहा वो करो, तो यू आर देयर. और उसके बाद में मैंने काम किया शफी इनामदार जी के साथ. ओ, दूसरे मास्टर. क्या बात सब मास्टर है ये. एंड सब मास्टर. और शफी भाई के साथ काम करते मैंने परफेक्शन सीखा. यानी ही वाज सो मच परफेक्शनिस्ट. जैसे मुझे एक किस्सा में किसमें देखा आपने? मैं यानी आई यूज्ड टू डू बैकस्टेज इन हिज प्ले, और साथ साथ में एक्टिंग भी करता था. As you know, कि थिएटर पे जब आप आते हो तो पहले आपको बैकस्टेज तो करना ही पड़ता है अगर आपको एक्टिंग करनी है. तो दैट्स अ लर्निंग प्रोसेस. तो स्टेज मैनेजमेंट मेरे हाथ में था, है ना. प्रॉपर्टीज लगाना मेरे हाथ में था, अंधेरे में प्रॉपर्टीज वगैरह लगाना मेरे हाथ में था. तो एक सीन का ड्रॉप होता है एंड मुझे वहां पे टेलीफोन रखना है अंधेरे में, और अंधेरे लाइट्स आती तब तक मैं बाहर हूं. तो रिहर्सल के दौरान, ग्रांड रिहर्सल, टेक्निकल रिहर्सल चल रहे थे, तब मैंने जाकर के फोन रखा. तो लाइट्स ऑन हुई तो उन्होंने बोला, एक मिनट संजय, एक मिनट भाई बाहर आ, फोन सही नहीं रखा तूने. फोन जहां पे होता है, जिस टेबल पे फोन रखना है वहीं पे मैंने फोन रखा था. तो जगह इतनी सी जगह है, तो उतनी सी जगह में उतने एक ही फोन आ सकता है, और कैसे आएगा. ठीक है सर, मैं रखता हूं. वापस लाइट ऑफ हुई, फोन बाहर लगे या लाइट ऑफ हुई, जाकर के अंधेरे में फोन रखा, वापस लाइट ऑन हुई. सर संजय तूने फोन नहीं रखा सही से. और मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यार, मैं फोन वही जगह पे रख रहा हूँ, उन्होंने जिस तरह से बताया वैसे ही रख रहा हूँ, ये क्यों मना कर रहे हैं. तीन चार पांच बार हुआ, तो फिर उन्होंने मुझे वहां से जोर से चिल्लाया, गाली दी, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या. सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर, आप प्लीज मुझे एक बार समझिए. तो ये पहले क्यों नहीं बोला तूने कि तुझे समझ में नहीं आ रहा है. सो तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, मुझे पूछना चाहिए था ये पहले कि मुझे नहीं समझा आपने क्या कहा. When you say कि you understood, it means he understands that you understood. Correct. तो जब मतलब तुम दूसरी बार गलती नहीं करोगे, तुम गलती नहीं करो, तो तुम वही गलती अगर दोबारा करते हो तो तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम्हें नहीं समझा. वो आए स्टेज पे, उन्होंने फोन की पोजीशन बताई कि ये जो फोन है वो तुम्हें इस तरह से रखना है, इस तरह से यहाँ पे ऐसे घुमा कर रखना है. फिर उसने पूछा ये मैंने क्यों ऐसा कहा. हाँ अब बताता हूं कि जब ये फोन यहाँ इस एंगल में होगा और जो कैरेक्टर यहाँ बैठेगा इस चेयर पे, वो बगैर देखे भी अगर वहां हाथ डालेगा तो हाथ उसका सीधा क्रेडल पे ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा. दैट्स व्हाई दैट एंगल इज नेसेसरी. सो यू हैव टू कीप दैट फोन इन दैट एंगल. यू आर सो प्रिसाइज. ऐसे तो कई सारी चीजें उनसे तो बहुत, उनकी बैकस्टेज में जो स्कूल है ये सब है ना स्कूल. अरे भयंकर, मतलब ही वो, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा. आज भी मैं बहुत बार जब मैं हमारे यहाँ पे नाटक में जब नए कोई लड़के आते हैं, मेरा बेटा जब आता है स्टेज पे वो बैकस्टेज करने के लिए, तब मैं उसको बोलता हूँ देख ये सारी चीजें याद रख, क्यों ये यहाँ से ये एंगल क्यों जरूरी है. हर एक चीज का एक उसका एक साइंस है, उसका एक गणित है. करेक्ट एब्सोल्युटली राइट सर. बहुत मजा आ रहा है, इतने सारे क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन का आंसर ही मुझे इतना मजा आ रहा है कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं. रियली अप्रिशिएट. मोक्षा वेलकम, तानावाला वेलकम, थैंक यू सो मच. संजय जी आने वाले शो या मूवी के बारे में भी कुछ बताइए. एतल भाई शूटिंग और सब स्टार्ट हो गया मुंबई में? जी हाँ, सीरियल का शूटिंग स्टार्ट हो चुका है, बाकी सारी चीजों की शूटिंग थोड़ा डिले हो रहा है, बट हो जाएगा स्टार्ट, धीरे 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 करके स्टार्ट कर रहे हैं. बट सब बहुत प्रिकॉशन लेके काम कर रहे हैं. सो ये भी है, हीरेन जी ने ये सवाल पूछा है. सर आने वाली, एक सेकंड,
Himanshu, welcome. Naveen Bala, welcome. Thank you. सर अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताओ ना कुछ, कौन सा प्रोजेक्ट करने वाले हो? ये ब्रॉड पे भी पूछा है काफी जन जनकार। हाय जनकार, यानी मैं अगर सच कहूं तो मेरा अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है फिलहाल, क्योंकि लॉकडाउन से पहले सारे प्रोजेक्ट मेरे हो चुके हैं और नया कोई शूट अभी तक मेरा चालू नहीं हुआ है। एक फिल्म, एक शॉर्ट फिल्म मैंने की है विक्रम भट्ट की, वो आएगी, महाकाली केव्स मर्डर, वो एक आने वाली है। उससे पहले क्योंकि चोक की थी वो आ चुकी, इलीगल की थी वो आ चुकी, बेताल की थी वो आ चुकी, सो नया प्रोजेक्ट और कोई है नहीं। क्या बात है सर, क्या क्या काम करते हो आप, रियली अप्रिशिएट। जनकार जी वेलकम है जी आपका, थैंक यू सो मच सर। फैंटम हार्ट पूछ रहे हैं सर, लव्ड योर रोल इन दिस सीजन ऑफ नागिन, योर रोल इज सो फनी, क्या नागिन 5 में भी आप यही कास्ट रहेगी, स्पेशली आप? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मे बी नागिन 4 इसीलिए वाइंड अप कर रहे हैं क्योंकि वो नागिन 5 में नए एक्ट्रेस के साथ करें, हो सकता है शायद एक कैरेक्टर को रिपीट करें, लेकिन सबको शायद करे नहीं भी करे, ये उनकी मर्जी है। कुछ पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी होती है, हो सकता है नागिन 4 को ही वो चलाते रहे, चलेगा तो चलाते रहे, ऐसा ही होता है ना सर? किसी भी चीज का कंफर्मेशन नहीं होता है ना, बिल्कुल नहीं होता सर। हाँ सर, एकता कपूर मैम के हाथ में होता है, करेक्ट, अलाउड, थैंक यू सो मच सर। एक हम लोग है ना हर बार एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इसमें एक वर्ड में बोलता हूँ और इसके सामने आपके माइंड में जो पहला वर्ड आता है ना वो आपको बोलना है। आप रेडी है सर? खेलेंगे सर आप? खेलेंगे, मना थोड़ी कर सकता हूँ। ये आप दूसरे व्यक्ति हो जिन्होंने ऐसा बोला, मना थोड़ी कर सकता। पहले टीकू तलसानिया सर ने बोला था कि हाँ अभी भाई तुमने बुलाया है तो करना ही पड़ेगा। बट इट्स वेरी फनी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो पहला आपके लिए वर्ड है फैमिली, लव, गॉड, डिवोशन, माइंड, कंटिन्यूस एक्टिविटी, वाव, हार्ट, लार्जर देन लाइफ, वाव क्या बात है, वाइफ, द डियरेस्ट, पेरेंट्स, द नेक्स्ट टू गॉड, एक्टिंग, पैशन, संजय भाटिया, संजय भाटिया इज नथिंग, हेतल, हेतल, हेतल इज अ चार्म, लव यू सर, लव यू डियर, बहुत इंटरेस्टिंग होता है हर बार हम सबके साथ रखते हैं। नहीं अभी भाई नहीं है सर, अभी टाइम है आपके पास, है ना टाइम? बिल्कुल सर, अब तो आप ये तो कहा है, ये मैं सुबह सुबह 9 से, ये मैं सुबह 9 बजे से कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, कितना वक्त है? 58 मिनट में ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। हाँ सर, आप अरुण रंजनकर सर को जानते हैं? अरे बहुत अच्छे, अभी ब्रॉड पे आए, उनका स्वागत करते हैं हम, जो हमारे गुरु भी हैं, हमारे डायरेक्टर भी हैं, हमारे भी गुरु हैं, हमारे बहुत बड़े गुरु हैं। यस यस यस, मैं काफी टाइम से उनके पीछे पड़ा हूँ सर, मेरे ब्रॉड पे आओ ना सर मेरे ब्रॉड, बट कुछ ना कुछ इतना काम ऐसा है कि कहीं अरुण वाज फॉर अ शॉर्ट टाइम वाज वर्किंग विद अस इन चाणक्य, और काफी अच्छा समय बिताया हमने। अच्छा चाणक्य में भी थे वो, क्या कैरेक्टर कर रहे थे वो? चाणक्य में ही वाज प्लेइंग टू कैरेक्टर्स, एक वक्रनास का कैरेक्टर था और एक दूसरा कैरेक्टर था ऑफ आठवीक, वो करते थे। वाओ, ये तो मुझे पता नहीं था, वेरी गुड, क्या बात। हिरेन जी कह रहे रैपिड फायर मतलब कॉफी विद हेतल, कॉफी वो अपने अपने घर पे पियो, कॉफी हम हमारे घर पे पी लेंगे। उदेशी संजय वेलकम है जी, थैंक यू। हाय संजय भाई। संजय भाई, हैव यू एवर विजिटेड राजकोट, हमारे हिरेन जी पूछ रहे हैं। अरे बहुत बार, बहुत बार, राजकोट गुजरात से है।
मैं मुंबई से ही हूँ, मेरा हाँ हमारे मेरे फोर फादर्स गुजरात से हैं, दे आर फ्रॉम जामनगर, जामनगर, जामनगर से आगे थोड़ा बेड़ नाम का गांव है, तो वहां से मैं बेसिकली सूरत से हूँ सर, गुजरात से ही हूँ मैं। यस आई नो दैट, हाँ ऑफ कोर्स। सर लॉकडाउन में कैसे टाइम स्पेंड किया आपने? मैं जानता हूँ आपने टाइम पास तो नहीं किया होगा, आपने स्पेंड ही किया होगा क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव हो मुझे पता है। सच कहूँ तो लॉकडाउन हमारे लिए तो बीइंग सिंटा कमेटी मेंबर हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम था। अरे सर सॉरी सॉरी सॉरी, मैं पहले आपको ये पूछूंगा, आई एम सो सॉरी, वो बाद में जवाब दीजिएगा, पहले मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि इतना इतना एक्टिंग भी करो, ये भी करो, घर भी संभालो, इतना करने के बावजूद भी आप एक्टर लोगों के लिए टाइम निकालते हो, आप खुद सिंटा एसोसिएशन के साथ जुड़े हो, आर्टिस्ट एसोसिएशन के साथ जुड़े हो, कितना टाइम निकालते हो आप उसके साथ, इतना काम करते हो सर, कैसे निकाल पाते हो उसके साथ टाइम, और ये टाइम आपको क्या बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूं, उनके लिए कुछ काम करूं, क्या अंदर के लिए? देखो क्या है कि ये कुछ चीजें तो मेरे खून में है क्योंकि मेरी मदर बहुत बड़ी सोशल वर्कर रह चुकी हैं, श्री उन्होंने हाँ, और वो बचपन से उनको देखा है मैंने सोशल वर्क करते हुए, उनके साथ सोशल वर्क किया है, तो सोशल वर्क पहले से ही हमारे घर में है और वो एक आदत रही है। एक तो ये रहा है कि जब कोई भी चीज आप गलत होती देखो या कहीं भी शोषण होता देखो तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, और ये ड्यूरिंग मेरे कॉलेज डेज में भी ये रहा था, दैट्स व्हाई इट्स आई वाज देयर इन द स्टूडेंट यूनियन आल्सो, और बाद में जब थिएटर में आया तो थिएटर में तो ऐसी कोई एक्टिविटी थी नहीं, लेकिन उसके बाद में जब फिल्मों में आया, टेलीविजन सीरियल्स वगैरह करने लगा, तब मैंने देखा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत है, बहुत सारी चीजों में एक्टर को निग्लेक्ट किया जाता है, पैसे नहीं मिलते, बहुत सारी असुविधाएं हैं, तो उसके खिलाफ कुछ करना चाहिए। दैट्स व्हाई जब हमारे मेरे खुद के जब पैसे फंसे थे एक प्रोडक्शन हाउस में, तो वो निकालने के लिए पहली बार मैंने लाइफ में सिंटा में कंप्लेंट की थी, तब वहां पे धर्मेश जी वगैरह से इंटरेक्शन हुआ एंड द वे दे सपोर्टेड, तब मुझे लगा नहीं यार डेफिनेटली दे आर, मतलब ये है काम, बहुत चैलेंजिंग काम है, एंड उस वक्त ये लगा कि यार हमें भी इसमें हमारा सहयोग देना चाहिए, नॉट जस्ट बींग एन एक्टर बट एक आप इस के बिरादरी के एक सदस्य हो, तो अपने अपने दोस्तों के लिए, अपने को एक्टर्स के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, एक्टर्स कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे में मनोज भाई का एक बार फोन आया, संजय सिंटा के इलेक्शन आ रहे हैं एंड वी आर प्लानिंग टू स्टैंड इन द इलेक्शन, so I want you to be a part of it. तो मैं बोला मैं तो at that time मुझे कोई जानता नहीं था, मैं बहुत ही काफी छोटा एक्टर था और कुछ बोला, और बट मुझे ये मनोज को ये पता था कि मुझे इलेक्शन वगैरह का बहुत अच्छा अनुभव है, मम्मी मेरी कॉर्पोरेट रह चुकी हैं एंड मैं खुद पॉलिटिक्स में काफी काम कर चुका हूँ, तो ही न्यू कि संजय नोज अबाउट द दिस थिंग्स, तो मैं तब जुड़ा उनके साथ। पहले तीन साल मैं एज ए को-ऑप्टेड रहा, मैं आई वाज नॉट इलेक्टेड है ना, एंड सेकंड टर्म में व्हेन आई गॉट इलेक्टेड फॉर दी सीट तब मैंने शुरू किया, तो टोटल जो पांच साल हमने दिए हैं एंड इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी विद सिंटा एंड काफी लोगों को एक्सपेक्टेशन। देखो भाई अगर आपको सोशल वर्क करना है तो एक्सपेक्टेशन रखना कोई मतलब नहीं बनता है, अगर एक्सपेक्टेशन है तो फिर सोशल नहीं हुआ, नहीं तो पर्सनल वर्क हुआ। क्योंकि मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि एक्चुअली हर जो सोशल वर्कर होता है, जो समाज के लिए काम करता है, वो स्वार्थी होता है। वो स्वार्थी इसलिए होता है क्योंकि जब समाज का भला होगा तो उसका भला अपने आप होता है, अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक समाज का हिस्सा है। तो आज अगर एक्टर कम्युनिटी का कुछ अगर भला होता है तो उसका उसका फायदा मुझे भी मिलने वाला है ना, कि मैं भी एक एक्टर हूँ। करेक्ट। सो इनफैक्ट इट इज नॉट अ सोशल वर्क, इट इज यू आर डूइंग समथिंग
being in the position for yourself. तो किसी ना किसी को तो आगे आना है, तो हम आगे। Absolutely right. और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, पता है ये एसोसिएशन आ जाने से ना सबकी मनमानी चलनी बंद हो गई है सर, ये गारंटी बात है। है लेकिन देखो भाई ऐसा है, एक्टर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक्टर्स आर द मोस्ट इनसिक्योर ब्रीड ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, और वो इनसिक्योरिटी जो है ना वो हर एक्टर को, यानी आप छोटे से छोटे एक्टर से लेकर बड़े से बड़े एक्टर का नाम ले लो, हॉलीवुड में हो, होता ही है, सबको होता है भाई, सबको होता है। मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहूंगा एंड बट यू नो आज की तारीख में भी वो काम सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो फिजल आउट हो जाएंगे, लोगों के जहन में से उतर जाएंगे। और व्हेन यू आर एन एक्टर सो आप यहाँ पे पैसे से ज्यादा फेम के लिए आए हो, किसी भी एक्टर को पूछ लो, क्योंकि वो कुछ कर सकता है, वो अपनी कला दिखाना चाहता है, और वो सिर्फ एक्टर के मामले में नहीं है, हर एक कलाकार के लिए, कोई भी कलाकार जब आता है, इवन म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, वो अपनी कला से जाना जाता है, और उसको हर बार ये इनसिक्योरिटी बनी रहती है कि कल को लोग अगर मुझे भूल जाएंगे तो, और ये सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है, और यही इनसिक्योरिटी उनको ऐसे काम करवाती है जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए, लेकिन या तो जो सिस्टम के खिलाफ है। सर आपको कभी, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, आपको कभी ऐसा फील नहीं होता है कि यार मैं अगर ये प्रोड्यूसर के सामने आवाज उठाऊंगा या किसी के सामने ऐसे करके जाऊंगा तो मुझे बॉयकॉट कर देंगे, मुझे लेंगे नहीं अगले सीरियल में, अगले शो में या अगले मूवी में, मुझे मेरे साथ बात नहीं करेंगे अभी ये लोग, मुझे बॉयकॉट कर देंगे, ऐसा फील नहीं होता है? ऑफकोर्स होता है, और मुझे पता है, मैं तो ये भुगत रहा हूँ अभी भी। आई एम नॉट बींग पार्ट ऑफ मेनी टेलीविजन सीरियल्स और मेनी टेलीविजन प्रोडक्शन बिकॉज आई एम ए सिंटा मेंबर, और ये है, कई लोगों ने कहा, ये कहा भी मुझे, कई कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा कि सर सॉरी आपको कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्या आप सिंटा में कमिटी में होना, तो सॉरी वी वोंट बी एबल टू कंसिडर यू। ऐसा भी होता है? होता है, अरे बहुत होता है, बट सी यू, आप या तो आवाज, और ये हर हर उस इंसान के साथ में होता है जो आवाज उठाता है, वो तो हर किसी के साथ, वो हर किसी के, और लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब तक मेरे में ये टैलेंट है तो मेरी टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। मुझे अगर स्क्रीन नहीं मिली तो मैं स्टेज पर परफॉर्म करूंगा, सिंपल है, स्टेज पे तो मेरे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आई कैन अर्न ऑन स्टेज ऑल्सो, दैट्स नॉट एन इश्यू। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। बट सर ये जो आपके अंदर है ना वो एक्चुअली हर एक्टर में नहीं आ पाता है, क्योंकि हर एक्टर को एक इनसिक्योरिटी ये भी रहती है कि यार अभी ठीक है मैं चला लूंगा यार, लेकिन अभी कौन ये मगजमारी करेगा, अभी ये प्रोड्यूसरों के सामने कौन आवाज उठाएगा, आवाज उठाने जाएंगे और हम चिंता में जाए या कहीं और एसोसिएशन में जाएंगे तो प्रोड्यूसर को पता चलेगा, प्रोड्यूसर को पता चलेगा तो वो हमको बैन कर देगा, और ये तो मतलब प्रोड्यूसर करता भी है कई बार करता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, वो बिल्कुल याद रखते हैं। सो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, तो एक बार तो बहुत बहुत एक्टरों ने ये शायद फेस भी किया होगा, आपने खुद भी फेस किया है। सो ये नए जो एक्टर होते हैं वो तो बिल्कुल भी इस चीज को लेके चल ही नहीं पाएंगे, तो इनको कैसे आप जुड़ेंगे भी है? देखो इसमें ऐसा होता है कल कि जो जिस इंसान के साथ आप काम करते हो ना, पहली बात तो ये समझ लो कि मैं आपको, मेरा एक बैकग्राउंड आपको शायद पता नहीं है, कई लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि मैं टेलीविजन इंडस्ट्री में एज एन एक्टर मैं 2012 से आया हूँ, एस्टेब्लिश हुआ 2012 से, जबकि मैंने काम एज एन एक्टर करना शुरू किया था 1990 से। ओके, बीच में मैं डायरेक्शन में रहा, प्रोडक्शन में रहा, खुद प्रोड्यूसर रहा, स्टूडियो ओनर रहा, सो आई हैव बीन ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल फर्स्ट,
एज एन एम्प्लॉयर, सो मुझे उनकी दिक्कतें पता है. तो मेरा ये कभी आरोप नहीं होता है कि हर प्रोड्यूसर बुरा है. नो, गलत. वो भी इंसान है, उसे भी एक लिमिटेशन है, उसके भी कुछ दायरे हैं, उसके उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमें नहीं शेयर कर सकता. और वो जब वो लॉस में जाता है तब उसका हाथ पकड़ने के लिए हम लोग नहीं जोड़ते. होता है ना. लेकिन लेकिन इस चीज का फायदा बहुत सारे प्रोड्यूसर उठा भी लेते हैं. उठा लेते हैं, करेक्ट. और जो फायदा उठाने वाले जो जमात है ना, वो बहुत बड़ी है. Yes, you are right. And this is an unfortunate thing. And but इसके अंदर किसी को मैं दोष नहीं दूंगा. ये सिस्टम की गलती कहो या तो हमारी लापरवाही कहो एज एन एक्टर. क्योंकि क्या है कि जब आप एज एन एक्टर, एज ए टेक्नीशियन, जब आप सच बात रखते हो, सही तरीके से रखते हो, तो अगला बंदा भी समझता है. करेक्ट. यू, आई डोंट वॉन्ट एनीबडी टू बी अनरीजनेबल. यस यस. एट द वेरी सेम टाइम आई शुड बी वेरी मच रीजनेबल. राइट. तो अगर मुझे, इफ आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड, देन आई शुड बिहेव इन दैट गुड मैनर. यस. अनिल कुमार जी वेलकम है जी. अलाउडू जी कह रही है सर आई थिंक नागिन एंटरिंग इन नागिन सीजन 4 फिनाले. आई हर्ड दैट न्यू नागिन इज एंटरिंग. प्लीज क्लियर माय कंफ्यूजन. आई थिंक यू न्यू इट. अलाउडू जी मैं आज आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ. पहली बार क्योंकि आप रोज एक ही सवाल पूछ रहे हैं सिर्फ नागिन के बारे में. मैं आज आपका आई एम सो सॉरी सर. मैं एक एक प्लीज कैरी ऑन. ये रोज नागिन के आप सवाल जो मुझे पूछ रहे हो, मैं नागिन में काम जरूर करता हूँ लेकिन उसका स्क्रिप्ट राइटिंग मैं नहीं करता. उसका स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं कोई और. उसके अंडर में 10 लोग होते हैं जो उनका स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं और वो हमारे तक नहीं पहुंचता है. हमारे तक सिर्फ स्क्रिप्ट आती है. तो पहली बात ये कि आप ये जो बोल रहे हो ना कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है. किसी भी एक्टर को नागिन में अगर आप किसी को भी पूछेंगे ना, चाहे वो निया शर्मा हो, चाहे वो अपनी भाभी नहीं हो, कोई भी हो, किसी को कुछ भी पता नहीं होगा. एकता मैम को ही सिर्फ पता है और वो हम उनको जाके पूछ नहीं सकते. ठीक है. सो आप प्लीज ये प्लीज डोंट आस्क मी रिलेटेड नागिन क्वेश्चन. आप बहुत बार पूछ चुके हो, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है. और अगर कंफ्यूजन होगा तो वो 18 तारीख को आप जब नागिन देखेंगे ना, उसमें सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका. और नागिन के बाद नागिन 5 आएगा ना, उसमें भी आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. सो प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. आप बहुत बार पूछ चुके हैं सवाल, मैं बहुत बार जवाब दे चुका हूँ, मैं बहुत बार इग्नोर भी कर सकता हूँ आपको. आई एम सो सॉरी अबाउट इट. मैं नहीं दे पाऊंगा आपके सवालों के जवाब. थैंक यू सो मच. नवीन वाला जी कह रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यू आर ग्लोइंग सो मच टुडे हेतल जी. ओ हाउ स्पीक अप नवीन जी. थैंक यू सो मच. नहीं ग्लो कुछ नहीं कर रहा हूँ आज. एक्चुअली मैं शूटिंग करके आऊँ ना, ये शूटिंग ग्लो है भाई. देखो हमारे अब देखा ना, अब मिक्की मखीजा को जवाब मिल गया ना कि मेरा चेहरा आउट ऑफ फोकस क्यों है. समझा मिक्की भाई. देखो ये शूटिंग करके आया बंदा, इसलिए इसका चेहरा प्रॉपर फोकस में है और मैं आउट ऑफ फोकस. समझा आप. नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल फोकस में हो. आप समझे सर, बिल्कुल फोकस में हो. सर मत बोलिए सर. केतकी जी हैव यू विजिटेड पुणे एंड हैड स्नैक्स. सर आपने पुणे कभी गए हैं क्या? केतकी जी पूछ रही है. पुणे बहुत बार भाई. पुणे का मिसल उसके वहां के बड़े जोशी वड़े वाले मत याद दिलाओ यार. बहुत मैं बहुत ही चटोरा हूँ और आई एम वेरी बिग फूडी. सो मुंह में पानी आ रहा था. अभी खाना खा के आया हूँ लेकिन फिर भी. अलाउद्दीन जी पूछ रहे हैं सर इज गोइंग डेली शेयर योर सीक्रेट. सर नहीं शेयर में कुछ करने जैसा है नहीं. एक्चुअली क्या है कि आज एक्चुअली मैंने शेविंग की है पहली बार. दूसरा मैं रोज मेडिटेशन प्राणायाम योगा वगैरह रोज रेगुलरली करता हूँ. सो उससे स्किन ग्लो रहता है, आप माइंड शांत रहता है, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है आपकी, आपका फोकस बढ़ जाता है, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है. तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है कई बार आपके बॉडी में. स्माइल सबसे बड़ी चीज है. मैं हमेशा स्माइल करता रहता हूँ. ये संजय जी को भी पता है. संजय जी हमेशा स्माइलिंग मूड में रहते हैं. चाहे सामने कितना भी एग्रेसिव बंदा हो, उनके सामने खड़ा हो जाएगा तो वो शांत हो जाएगा. इतना गहरे
कोई नहीं, नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, सॉरी सॉरी, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, सॉरी. मैंने देखा है सर, मैंने देखा है आपके साथ में एक बंदा इतना जोर जोर से बात रहे, सर ऐसा है, ऐसा कैसे हो सकता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है वो है. अरे भाई समझने की कोशिश करो, तब क्या आप इतना शांत उसको धीरे से उसको पटरी पे लेके आते हो सर. मैंने देखा है, मैंने पहले ही कहा ना, क्योंकि आई हैड बीन ऑन द अदर साइड, सो मुझे पता है कि वो किस कंसर्न से कह रहा है, तो उसकी गलती नहीं है बेचारे की. करेक्ट है. अच्छा प्रणाली जी, किस क्वेश्चन का आंसर करिए, ग्लोइंग सीक्रेट की थोड़ी सी लाइट है और स्माइलिंग फेस है. अच्छा लाइट, या लाइट मैटर करती है, हमेशा चेहरे पे लाइट रहती है तो थोड़ा मैटर करता है. Somebody is asking which one is my favorite theater play. Yes, please sir, please answer it. फेवरेट थिएटर प्ले तो वैसे एक नहीं है, काफी है. मैंने अनफॉर्चुनेटली जो प्ले देखे नहीं है वो मेरे फेवरेट है, यानी अंधा युग मैं देख नहीं पाया, लेकिन मैंने पढ़ा है एंड इट्स एन अमेजिंग प्ले. तुगलक मैं देख नहीं पाया, और बट आई जस्ट हर्ड अबाउट इट एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट. मैंने जो फेवरेट मिला, मैंने जो देखा था, इट वॉज अ मास्टर पीस दैट इज वेटिंग फॉर गोदो बाय नसीर जी, एंड दैट वॉज एन अमेजिंग प्ले विच आई वॉच्ड. तो मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा प्ले या रोल है जो आपको करना है अभी आपके मन में ख्वाहिश है ये करना? एक हो नहीं सकता, ऐसा तो बहुत कई सारे रोल ऐसा एक तो हो नहीं सकता, क्योंकि सी हेतल, यू आर एन एक्टर, यू नो कि आप एन एक्टर इज नेवर सेटिस्फाइड, राइट? क्योंकि वो जैसा ही कुछ करता है उसे दूसरा करना होता है, फिर वो करता है, फिर उसे तीसरा करना होता है. एक रोल कभी किसी एक्टर का एक मकाम हो नहीं सकता, इसलिए मैंने वो कभी मकाम रखा नहीं. क्योंकि फिर भी कभी कभी सोचा तो होगा ना सर, कि मतलब मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताएं इसका आंसर कि क्या है वो, कि वो कभी तो सोचा होगा कि ये कैरेक्टर करने में बहुत मजा आएगा यार, ये करना चाहिए. कई सारे कैरेक्टर है यार, कई सारे, मतलब मैं एक नाम लूं दूसरा, मैं आई यूज टू इमिटेट द पर्सन हुम आई यूज टू लव वाज अमजद खान. अमजद खान जी को जब मैंने, हाँ, अमजद खान, एंड आई यूज टू लव अमरीश पुरी ने ध्रुव काल में जो कैरेक्टर किया था, उन्होंने जो उनका जो कैरेक्टर था वो, इट वॉज एन अमेजिंग कैरेक्टर वो. और मुझे ऑलवेज है ना वो कैरेक्टर्स, वो किरदार ज्यादा पसंद आते हैं जिनको करने के लिए वो ज्यादा नहीं होता, लेकिन वो उतने से दायरे में रहकर के बहुत कुछ कर जाते हैं. जैसे मैं अनु कपूर जी का उदाहरण बहुत बार देता हूँ. अनु कपूर जी का कैरेक्टर, उनकी एक फिल्म अपने, अरे यार अनिल कपूर वाली कौन सी फिल्म यार, द सुपर हिट फिल्म, एक दो तीन चार पांच गाना जो है ना, ये तेजाब में अनु कपूर जी का कैरेक्टर आप देखो, एंड आई एम श्योर कि उनका जो कैरेक्टर था वो पहले हिस्से के लिए ही था, इट वॉज फॉर द फर्स्ट हाफ ओनली. सेकेंड हाफ में बिकॉज ही वॉज ए गुड एक्टर, I definitely can say कि उनको वहां पे लाया गया वो दूसरे कैरेक्टर के लिए, दूसरे पार्ट के लिए, एंड ही डिड इट सो वेल. अनु कपूर जी ने ही ध्रुव काल में कमाल का कैरेक्टर किया था, ही वॉज अ टेररिस्ट. कैन यू बिलीव अनु कपूर बींग अ टेररिस्ट? नोबडी कैन, यानी कोई भी हंसेगा इंसान, यार अनु कपूर टेररिस्ट, यानी इतना दुबला छोटा इंसान यार टेररिस्ट कैसे? बट ही वॉज टेरिफाइंग, ही वॉज टेरिफाइंग. And that was the character. अरे यार ये होता है character. अपने एक डॉक्टर की मौत में इरफान का character देख लीजिए आप, इरफान खान, such a small but sidey character, but what a character he played. I always admire those कि आप वो radius आपके ऊपर, आप you are not on the focus but yet you are seen. And I always love to do those kind of characters. कि जहां पे आपकी अहमियत नहीं है बट आप अपनी क्षमता से अपनी अहमियत वहां जताते हो. यस एब्सोल्युटली. अलाउदू जी कह रहे हैं मजाक बना दिया फेस वॉश का, और प्रणाली जी आपका जवाब दे रही है आपको, अलाउदू जी नो मजाक, प्लीज आप भी चीज समझ लीजिए. अलाउदू जी आपको
रिस्पेक्ट इज इट सर, गलत बोल रहा हूँ मैं? आई थिंक नेटवर्क इश्यू है. हेलो सॉरी आई एम लूजिंग द नेटवर्क. हेलो हाँ हाँ आई थिंक नेटवर्क इज ड्रॉपिंग हियर अगेन. एक सेकंड होल्ड कर रहा. हाँ या बोल रहे थे सर? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा था. मैं ये कह रहा था कि नेटवर्क ड्रॉप हो रहा था, आवाज नहीं आ रही थी इसलिए. हाँ धर्मेश कबूतर वाला आपका स्वागत कर रहे हैं सर. धर्मेश वेलकम कर रहे हैं. थैंक यू धर्मेश जी. थैंक यू. सीरियल देखने से भी ज्यादा मजा आ गया अमी भाभी को यहाँ पर. थैंक यू. अरे वाह थैंक यू. बिकॉज यू नो संजय जी है ही इतने इंटरेस्टिंग, और मैं चाहता हूँ कि ब्रॉड पे भी जितने लोग हैं वो उनको समझे, ताकि उनके बारे में जाने. दैट इज व्हाई मैं उनको आज यहाँ पर लेके आया, क्योंकि सब लोग बैक कैमरे में पीछे पीछे काम करते रहते हैं, लेकिन वो आगे कभी आते नहीं है, और इनको आगे लाने का काम हमारा है. अब मैंने सोचा है कि सबको ऐसे उनकी स्टोरी आगे लानी चाहिए जिन्होंने काम किया है इतना, लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है ये सारी चीजों को. तो इसीलिए मैं सर आपको लेके आया हूँ कि सर एक बार आपकी स्टोरी सबको तक पहुंचनी चाहिए. अरे वो तीसरा धुरंधर पूछ रहा है. महाधुरंधर हमें पूछ रहे हैं. आपके सामने हम दो छोटे छोटे हैं सर. भरत जी आपके हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अरे भरत भाई जो काम करते हैं वो कमाल का है. एक्सेलेंट. धर्मेश जी कह रहे हैं हेतल यू लुक स्मार्ट. थैंक यू मेरी जान. थैंक यू सो मच. मोक्षा जी भी यस हेतल. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच सर. आप कुछ बोल रहे थे. सॉरी आई एम सो सॉरी मैंने आपको. हाँ मैं ये कह रहा था कि आई हैव बीन एडमायरिंग योर वर्क. यानी तुम इतना अच्छा काम करते हो. टू बी वेरी फ्रेंड मैंने अभी स्पेशल ऑप्स में तुम्हें देखा एंड यू वेर टू गुड. एंड आई सच मैं सच कहूं तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम ये कर पाओगे. एंड यू डिड इट सो वेल. यू डिड इट सो वेल. आई रियली लव्ड इट. बहुत अच्छा किया तुमने. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. कांग्रेचुलेशन फॉर दैट. नीरज पांडे जी ने एक्चुअली जब मुझे मेरे साथ मीटिंग किया तो उन्होंने बोला था, मुझे पूछा कि हेतल क्या किया है आज से पहले तुमने. वैसे तो मैंने देखा तुम्हारा बहुत सारा काम है, तुम एड में अच्छा कर रहे हो. मैंने बोला हाँ सर बस ये छोटा मोटा एक्टर हूँ. सो बोले तुमने कंसिस्टेंटली बहुत सारी एड्स की है और कंसिस्टेंटली तुमने कैरेक्टर सारे कॉमेडी किए. बोला सर मैंने किए नहीं, मेरे पास जो आया मैंने वो किया. मैंने उसको न्याय दिया. जो मुझे डायरेक्टर ने बोला वो मैंने किया. हाँ वो बात सही है, वो तुम्हारी बात सही. लेकिन क्या कभी कोई ऐसा करने का मन नहीं किया कि एक डिफरेंट कैरेक्टर? मैंने बोला सर बहुत मन तो है, लेकिन क्या करें, सब लोगों ने ऐसा इमेज बना के रखे है कॉमेडी आए हेतल को ले लो हो जाएगा. तो ऐसे करके सब करते हैं तो मैं क्या करूं. बोले एक बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर है, मैं रिस्क लेके तुम्हें देना चाहता हूं. तुम्हारा ऑडिशन देखा बहुत अच्छा लगा मुझे, सो मैं रिस्क लेना चाहता हूं इसके ऊपर. सो ये कैरेक्टर ऐसा ऐसा उन्होंने समझाया और सच में उन्होंने रिस्क लिया पहली बार मेरे पे. मतलब मेरे पे किसी बंदे ने पहली बार ऐसा रिस्क लिया इतने बड़े डायरेक्टर में, क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस था कि ये कर लेगा. और ये सर ऐसा है, मेरी लाइफ का पहला ऐसा कैरेक्टर है जो एक तो मुस्लिम है, दूसरा वो ऑनर है वो पूरा उसका ब्रॉड का. तो वो मतलब इतना सीरियस कैरेक्टर था, वो इतना खतरनाक कैरेक्टर था कि वो सबसे पहली कड़ी बनता है उसको जोड़ने के लिए.